हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय फेसबुक पेज किचन रेसिपीज। यू कैन आल्सो सब्सक्राइब मी ऑन माय यूट्यूब चैनल नेम्ड अर्चना मेहता फॉर मोर रेसिपीज। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग स्पेशल रिगार्डिंग वेजिटेबल्स। वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अ स्पेशल रेसिपी यूजिंग दिस पकौड़ी। सो वी आर टुडे मेकिंग पकौड़ी की सब्जी। यू हैव सीन दीज बेसन की पकौड़ी। वी विल डिप देम इन वार्म वाटर। आलू एंड पकौड़ी की सब्जी। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून देसी घी। हमारा घी ऑलमोस्ट मेल्ट हो गया है। इसमें हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून जीरा, क्यूमिन सीड्स, लेट इट स्प्लटर। हमारा जीरा स्प्लटर होना शुरू हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे फाइनली कट जिंजर एंड गार्लिक। जब तक हमारा जिंजर एंड गार्लिक रोस्ट हो रहा है, हमने थोड़ी देर के लिए इस पकौड़ी को वार्म वाटर में डिप करके रख दिया। रफली चॉप्ड पोटैटोज को भी हमने स्लाइटली एक बॉइल्ड वाटर से निकाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे फाइनली चॉप्ड अनियन। अनियन को हम रेड होने तक रोस्ट करते हैं। इसमें फ्लेवर के लिए हम डाल सकते हैं तेज पत्ता एंड दालचीनी फ्लेवर के लिए। कई बार आपको घर में कोई भी सब्जी अवेलेबल नहीं मिलती है तो आपको सोचना पड़ता है कि आज कौन सी सब्जी बनाएं, तो आप ये पकोड़े वाली सब्जी ज़रूर ट्राई कीजिए। ये आपको बहुत टेस्टी लगेगी। अगर आपको 1 रोटी की भूख है तो देन यू विल ईट 2, अगर 2 की है तो 3। ट्राई मेकिंग आउट दिस सब्जी एट योर होम। अनियन ऑलमोस्ट रेड हो गया। अब हम इसमें चॉप किया हुआ टोमेटो डालेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस, दैट इज टर्मरिक, हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट। आई यूज पिंक हिमालयन सॉल्ट, इट इज़ गुड फॉर हेल्थ। एंड 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स। अच्छे से मिक्स कर ली अनियन एंड टोमेटो। 2 से 3 आपको ले लेने चाहिए, बिकॉज उतना ही अच्छा टेस्ट आता है वेजिटेबल में। तो मैं 1 टोमेटो और डाल रही हूँ। ऑलरेडी मैंने 2 टोमेटोज एंड 2 मीडियम साइज अनियन को चॉप करके इसमें डाला था। लेट इट रोस्ट एंड लीव द घी। ऑलमोस्ट 2 मिनट्स हो गया है मसाला रोस्ट होते हुए। इसमें घी छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे पोटैटो स्लाइसेस जो हमने एक बारी बॉयल कर ली हैं। को मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे वार्म वाटर में डिप करी हुई पकौड़ी, बिकॉज अदरवाइज पकौड़ी बहुत हार्ड है। वार्म वाटर में डिप करने के बाद वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। आप चाहें तो इसको स्मॉल स्लाइसेस में कट भी कर सकते हैं, बिकॉज पीसेस इसके बिग लग रहे हैं। अच्छे से मिक्स कीजिए कि जो अनियन एंड टोमेटो का मसाला है उसको अच्छे से कोट कर दे। इसको आप 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कवर कर दीजिए। 5 मिनट्स हो गया है। इसकी एक अच्छे से एरोमा आने लगी है। अब हम इसमें डालेंगे 3 कप्स वाटर, जिससे कि ये
वेजिटेबल अच्छे से डिप हो जाए। इसमें हम ड्राई कोरिएंडर पाउडर भी डाल सकते हैं जिससे टेस्ट अच्छा आ जाता है। एट दिस स्टेज आप चेक कर लीजिए, सॉल्ट या मिर्ची अगर कम है तो आप ऐड कर सकते हैं। एंड अब हम अपने प्रेशर कुकर को कर देते हैं बंद और वेट करेंगे हम 2 to 3 विसल्स का। विसल्स आने के बाद मैंने इसको 5 to 10 मिनट सिम पे रख दिया है। अब हम इसको ऑफ कर देते हैं एंड 5 मिनट के बाद चेक करते हैं कि हमारी सब्जी कैसी बनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, अपनी लंच की प्लेट रेडी करते हैं। गर्मा गर्म सर्व कीजिए आलू और पकौड़ी की सब्जी, इसके साथ सर्व कीजिए रायता एंड नमक एंड रेड मिर्ची से स्पाइस्ड अप अनियंस जो बारीक कटा है, साथ में सर्व कीजिए गर्मा गर्म चपाती। तो रेडी आ गया हमारा लंच, आप भी ट्राई कीजिए ये लंच और बताइए आपको कैसा लगा। कैसी लगी है सब्जी हमारी। थैंक यू।